वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणी धाम रतन मंदिर मानो आहार वृंदावन वृंदावन। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में एक ऐसी साधिका, एक ऐसे भक्त के दर्शन कराने जा रहा हूं जो देश धर्म राष्ट्र पर खुलकर बोलती हैं और खासकर भारत के स्वाभिमान और गौरव के साथ भारत की बेटियों, भारत की नारियों पर खुलकर बोलती हैं कि उनका गौरव कैसे था और उन्हें अपने मान और स्वाभिमान को कैसे बचाए रखना है। तो आइए दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। हमारे साथ में हैं अर्चिता देवी दास। हरे कृष्णा। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। राधे राधे, हरे कृष्णा जी। अर्चिता जी, भारत में बेटियों को देवी माना गया है, देवी के स्वरूप माना गया है और आज के परिवेश में ऐसा लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद भी बेटियां रास्ते से भटक रही हैं, उनके अंदर भटकाव आ रहा है। देखिए, पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी है और जिस तरह से आज की नारी बढ़ रही है आगे पढ़ाई लिखाई में वगैरह, सब सब जगह जैसे देखे तो छा गई है आज की नारी। जैसे कहीं बड़े बड़े जॉब कर रही है, यहाँ तक कि विदेश में तक जॉब करती है, यहाँ तक कि प्लेन चलाती है ना, हर प्रकार का काम कर लेती है आज की नारी। लेकिन पढ़ाई करके वो अपने परिवार को भी आज सहारा दे रही। पहले तो ऐसे होता था कि केवल बेटे ही सहारा देते हैं, अब तो बेटियां संभाल रही है ना, तो बहुत आगे बढ़ा। तो कुछ अच्छी चीजें है नारियों के साथ, लेकिन देखिए पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, उसी प्रकार आध्यात्मिक का जो ज्ञान है वो भी जरूरी है, सनातन धर्म का ज्ञान भी जरूरी है। क्योंकि आजकल आज की जो नारी है वो पढ़ाई लिखाई में आगे है, लेकिन कोई भी आके उनके साथ कुछ भी गलत कर जाता है, उन्हें ठग भी लेता है। जैसे हमने सुना है कई सारी चीजें, श्रद्धा वगैरह, अभी जो साक्षी की हुई, वो भी पढ़ी लिखी लड़की, छोटी लड़की, तो कैसे हादसा हुआ। मतलब पढ़े लिखे होते हुए, इंटेलिजेंट होते हुए भी अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपको अपना सनातन धर्म का ज्ञान नहीं था। इसलिए आप होशियार होते हुए, समझदार होते हुए गलत रास्ते को चुन लिया, गलत इंसान को चुन लिया और गलत मार्ग को चुन लिया जी। और वो लोग तो अपना एजेंडा लेके घूमते हैं आजकल। मतलब जैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है ना, तो एक सोची समझी चाल है। केवल हमारे देश में ही नहीं, कई देशों में ये चल रहा है। अब मैंने सुना बीच में कहीं अभी स्वीडन में भी कुरान वगैरह वो जला कर ये किया, क्योंकि उनकी संख्या कम हो रही वहां के देश वालों की, और बाहर वालों की संख्या, इन मुस्लिम वगैरह इन लोग की संख्या जो बाहर से आए थे उनकी बढ़ रही है। तो और वो लोग, कट्टरता भी उनकी बढ़ रही है, उनको उससे प्रॉब्लम है। तो सेम यही सिचुएशन हमारे देश में भी हो रही है। लेडीज लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियां, सनातन धर्म पे चलने वाली लड़कियों को भी टारगेट किया जा रहा है। तो देखिए, वो लोग कई सवाल करके कि तुम्हारा भगवान ऐसा क्यों है, तुम्हारा भगवान वैसा क्यों है, उसमें ये कमी है, तुम्हारे धर्म में ये कमी है, ये बोल के लड़कियों को वो लोग पूरा माइंड उनका बदल देते हैं, है ना। पर लड़कियों को अगर अपने सनातन धर्म का ज्ञान होगा, अगर अपने के बारे में जानती, शास्त्र पढ़ती, वेद पुराण पढ़ती, तब शायद वो सामने वाले का जवाब और आंसर दे पाती। हमारे जैसे लड़कियों को जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर हमारे सामने कोई ऐसा आके हमें सवाल करे, अरे तुम्हारा भगवान, तो हम उनको सामने से 10 जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने भगवद गीता पढ़ी, हमने रामायण पढ़ा, हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ा, हमने तुलसीदास का पढ़ा, तो हमें शास्त्र का ज्ञान है। तो आज कोई भी आके हमें नहीं ठग सकता, क्योंकि हम आंसर तो कर सकते हैं कृष्ण की कृपा से, भगवान की, गुरु महाराज की, संतों की, इनकी कृपा से आज हम आंसर कर सकते हैं। हमें कोई ठग नहीं सकता, कुछ हमारे धर्म के खिलाफ नहीं कर सकता। पर कुछ लड़कियां पढ़े लिखे होते हुए भी बड़े इंटेलिजेंट है, भौतिक तो बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ चुकी है, प्लेन तक उड़ा रही है, लेकिन कोई भी मुस्लिम या कोई भी बाहर का आके उन्हें एकदम ठग लेता है, गुमराह कर लेता है, उन्हें अलग दिशा में ले जाता है, क्योंकि धर्म का नॉलेज नहीं है उनमें। तो इसमें माता पिता की भी गलती है और लड़कियों की भी गलती है। अगर माता पिता बचपन से ही पढ़ाई लिखाई के साथ अपने सनातन धर्म का भी अगर ज्ञान देते, तो क्या फर्क पड़ता। लड़कियां मंदिर में आती है, देखिए किस तरह के वस्त्र पहनती है वो, क्यों माता पिता भारतीय है, क्या उन्हें पता नहीं मंदिर में कैसे जाना चाहिए।
मंदिर में ढंग से जाना चाहिए, मंदिर में मर्यादा में जाना चाहिए। यह हमारे भारतीय संस्कृति है। यहाँ तक कि विदेशी महिलाएं आप देखिए हमारे इस्कॉन मंदिर में साड़ी बीड़ी पहन के आपको दिखेंगे, कितने भी उनका कल्चर जो भी है, क्या उन्हें पता नहीं है जींस पैंट वगैरह पहनना या स्टाइल मारना या शॉर्ट कपड़े पहनना? उनको नहीं पता, उनको उनसे ज्यादा किसको पता है? लेकिन देखिए वो भारत में आके कैसे मर्यादा में रहती है, वो साड़ी पहन लेती है, गोपी ड्रेस पहन लेती है ना, ऐसे सर पे पल्लू तक ओढ़ लेती है और पूरा अपना जो धर्म है, अपना सनातन धर्म है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ अट्रैक्शन उनका बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उन्हें पता है कि ये सही मार्ग है, सही दिशा है। लेकिन हमारी लड़कियां क्या कर रही है? वो भटक रही है। हमारी लड़कियां उनकी स्टाइल मारने के चक्कर में, और हम पढ़े लिखे हैं, हम कुछ भी करेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता जिएंगे। भाई तुम स्वतंत्रता से जियो, तुम्हें मना नहीं किया गया है, लेकिन उसमें तुमको ही कल जाके हानि हो सकती है। तुम खुद की रक्षा नहीं कर पाओगे, ना ही चार लोग तुम्हारे लिए खड़े रह रहे। देखो समाज कितना निर्दयी बन गया। अगर पहले का समाज ऐसा था कि किसी के भी बहू बेटी को अगर कोई कुछ बोल भी दे तो 10 लोग आजू बाजू, अगर वो एक बार आवाज देती 10 लोग आते मदद करते। आज भी गांव के साइड में अभी भी मर्यादा बाकी है, लोगों में इंसानियत बाकी है। लेकिन अभी के केस में देखा जाए तो लड़की को कोई इतना, जैसे अभी हुआ कोई साक्षी का, उस बच्ची को इतना मारा गया, चलो उसने जो भी दिमाग अपना लगा के गलत उसका कर्म हुआ, लेकिन लोग कितने मतलब जिनके अंदर नहीं दया भाव नष्ट हो चुकी है। अरे आपकी बेटी हो सकती है कल वहाँ, आपकी बहन हो सकती है, क्या आपके घर में कोई माँ नहीं है, बेटी नहीं है, कोई परिवार में कोई स्त्री नहीं है? अगर कल आपकी ही कोई होती तो क्या आप रक्षा नहीं करते उसकी? या कोशिश तो करो कम से कम, अगर दो जन भी करते तो होता। अभी पुणे में भी एक घटना हुई, एक लड़की को ऐसे ही सरेआम वो चक्कू लेके कोई मारने जा रहा था, तो लोग बीच में आए और पुणे के लोगों ने उसको पत्थरों से मार के उस लड़के को पकड़ा और मारा और उसको पुलिस के हवाले किया, लड़की की रक्षा की। तो समाज में भी ये जो हो रहा है ना, आजकल समाज भी सोया हुआ है कि दूसरों के साथ हो रहा है ये तो रोज का ही है, ऐसे बोल के निकल जाना इससे भी अपराध लगता है। भीष्म पितामह ने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था, ज्ञानी होते हुए देखा था, इतनी शक्ति होते हुए भी ना रोका ना कुछ। वो तो सोचे अरे दुर्योधन कर रहा, अब हम क्या करें, धर्म नीति है, हम इनके अन्न खा रहे हैं वगैरह सोच के चुप बैठे। देखिए पाप लगा, तो जो तमाशीन बनते उन्हें भी पाप लगता, और कितना पाप लगा, जितना इतने बानों के शैया में वो लेटे मृत्यु के समय पे, और इतना दर्द उन्होंने सहा। उन्होंने केशव से भगवान से पूछा ये दर्द कब का है, कहा इसी जन्म का है। एक स्त्री का जब अपमान होता है और जब सामने वाला पुरुष योग्य होने के बावजूद, शक्तिशाली होने के बावजूद भी अगर उसकी रक्षा नहीं करता और तमाशहीन बनता है, तो उसको जितनी पीड़ा हो रही है उस स्त्री को, उतनी पीड़ा उस तमाशहीन लोगों को भुगतनी पड़ती है। तो देखो ये शास्त्र बता रहा है, भीष्म पितामह को भी भुगतनी पड़ी। तो देखिए आम जनता भी ऐसे, अगर किसी स्त्री का अपमान हो रहा है, ये हो रहा है, और अगर वो चुप है तो उन्हें देखो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उनको कोई पाप नहीं लग रहा है, कानून तो उन्हें दोष नहीं दे रहा है, पर जो शास्त्र और धर्म बताता है कि उन्होंने अधर्म किया, उनको उनका दंड अवश्य मिलेगा, पता है, यातना ये मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने वो दृश्य आपको देखना नहीं चाहिए था, या तो बचाना चाहिए था, या उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, या कुछ तो कोशिश करनी चाहिए थी, तो उससे क्या होता, कम से कम वो पाप नहीं लगता। तो ऐसा नहीं कि तमाशीन बन गए तो हमें पाप नहीं लगे, लगेगा पाप लगेगा, और उसका खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा, उसका दंड भगवान अवश्य देते हैं। अर्चिता जी, मनुष्य में ये प्रवृत्ति क्यों आती जा रही है कि वो सामने से देख रहा है और किसी पे अत्याचार हो रहा, अपराध हो रहा, वो रोकता नहीं, ना उसके अंदर जरा भी सिकन है, ना सिहरन है, ना डर है, ना भय है, ऐसा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आज का मनुष्य देखो भौतिक पढ़ाई तो बहुत कर रहा है, लेकिन वो धर्म से दूर हो रहा है, धर्म के हिसाब से नहीं चल रहा है, उनको सनातन धर्म का महत्व नहीं पता, धर्म का महत्व नहीं पता। जब अपना धर्म ही इंसान भूल जाता है तो वो स्वाभाविक है कि वो गलत मार्ग पे चला जाता है, क्योंकि फिर वो सही दशा में नहीं जाएगा। क्योंकि देखो जिस तरह से इंसान भौतिक पढ़ाई करके बहुत ऊंचाई तक जा रहा है, लेकिन उल्टा उतनी ही उसकी लाइफ भी कम हो रही है और उसका चरित्र भी गिर रहा है,
और ये सारी चीजें हो रही है आज के मनुष्य कलयुग के मनुष्य से। तो पहले के देखिए पशु पक्षी ज्यादा उत्तम थे, जिस तरह से जटायु था, आपने जटायु का सुना होगा कि हाँ, जब माता सीता का अपहरण करके रावण ले जा रहा था तो जटायु को पता था कि ये रावण से मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी पक्षी होते हुए भी उन्होंने युद्ध लड़ा और माता सीता को बचाने की कोशिश की और उन्होंने अपने प्राण तक त्यागे। लेकिन देखिए भीष्म पितामह में और जटायु में कितना अंतर है कि जटायु को भगवान राम की इतनी कृपा मिली जो दशरथ राजा को उनके पिता को उन्होंने नहीं दी। अंतिम संस्कार दशरथ राजा के नहीं कर पाए राम, लेकिन देखिए उस पक्षी का उन्होंने अपने गोद में उनको बिठाया और मृत्यु राम के गोद में, भगवान राम के गोद में उनकी मृत्यु हुई। और जटायु का खुद अंतिम संस्कार भगवान राम और लक्ष्मण ने किया, कितना अहोभाग्य पक्षी होते हुए बताओ कौन सी स्तर को उन्होंने प्राप्त किया और भगवान के साकेत धाम चला गया। और वही उसी जगह पे भीष्म पितामह वीर होते हुए, शूर वीर होते हुए, ज्ञानी होते हुए, महाभागवत होते हुए, महाजन होते हुए भी देखो एक स्त्री का अपमान द्रौपदी का देखा और उस पाप में भागीदारी बने और बाणों की शैया प्राप्त हो गई। और वो भगवान कृष्ण सामने होते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे थे भगवानों ने, क्योंकि उनको वो पीड़ा से वो भगवान ने बताया कि तुम्हारे इसी जन्म के कर्म का ये सिद्धांत है, स्त्री का अपमान भगवान कभी क्षमा नहीं करते। देखिए यत्र नारस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा धर्म कहता है कि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये श्लोक है हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ समस्त 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अब ऐसे ऐसे शास्त्र में हमारे वर्णित है कि देवता तक वहाँ वास करते, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी वास करती है। जिस घर में स्त्रियाँ खिलखिला के हंसती है, मुस्कुराती है, उनकी आवाज गूंजती है उनके कंगन के, पेंजन के, उनके आनंद के, तो वो घर में लक्ष्मी खिलखिला के घूमती है। उस घर में अपने आप थोड़ा सा भी होगा लेकिन बहुत भरपूर होगा उस परिवार के लिए। ये क्यों होता है? क्योंकि इतना स्त्रियों का वो है सम्मान है प्रकृति ने और ये धर्म ने ही उन्हें ये कुछ बोलते हैं ना, ये आशीर्वाद बख्शा है। और जब कुछ स्त्रियों के साथ अपमान करते हैं ये करते हैं, और बड़े करोड़पति भी है, बंगले में भी रहते हैं, लेकिन अगर उस घर में स्त्री का अपमान हो रहा है तो उन्हें इतनी विविध प्रकार की मानसिक जो दुख और यातना है उनको भुगतनी पड़ती है। संपूर्ण धन दौलत होते हुए भी बेचारा एक रोटी नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि उस घर की स्त्री दुखी है, तुम्हारा धन उस स्त्री को सम्मान नहीं दे पा रहा है, खुशी नहीं दे पा रहा, इसके कारण उसकी जो दशा है प्रकृति, उसका जो मन का जो दर्द है या जो भी पीड़ा है वो प्रकृति देती है। गो माता और स्त्रियां इन्हीं को ज्यादा टारगेट किया जाएगा कलयुग में, और बुजुर्ग जो होते हैं। और पता है जब भगवान कल्कि का अवतार होगा तो भगवान कल्कि की सेना कौन होगी? शास्त्रों में वर्णित है गो माता, स्त्रियां और जो बुजुर्ग इंसान है सारे जितने भी, वो सारे उनकी सेना होगी भगवान की, बुजुर्ग लोग वगैरह वो सब सेना होगी, वो ही शक्ति बढ़ाएंगे भगवान की कल्कि अवतार में। और विभिन्न जितने भी हमारे और भी देवी देवता, कुछ देवता है जो अभी अदृश्य है कलयुग के प्रभाव से, वो भी प्रकट होंगे भगवान के कल्कि अवतार में, उन्हें सत्य युग का प्रारंभ करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। ऐसी ऐसी शक्तियां आज में विराजमान है, जैसे आपने सुना होगा कि कई ऐसे महापुरुष जीवित है, जैसे परशुराम जीवित है, हनुमान जी जीवित है, विभीषण जीवित है ना, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे अभी भी जीवित है कुछ महापुरुष जिनको चिरंजीवी का, अश्वत्थामा जीवित है, चिरंजीवी का वरदान है, और वही उनकी सेना में भाग लेंगे कल्कि अवतार में, भगवान को सपोर्ट करेंगे और साथ देंगे। और ये सेना तो आप करते जा रहे हैं और भविष्य में बता रहे हैं, और हम लोग को पता भी है कि कल्कि अवतार होगा, लेकिन वर्तमान जो है खतरे में पड़ता जा रहा है, बेटियां असुरक्षित है, वो इतना ज्ञान और आप विज्ञान के रूप में बता रहे हैं कि तरक्की तो कर रही हैं, लेकिन अपने रास्ते से, मार्ग से भटकती जा रही हैं। जिन्हें देवी कहा जा रहा है वो भटकती जा रही हैं, गलत रास्तों में चली जा रही, वो बचेंगी कैसे, वो सुरक्षित कैसे रहेंगी, उन्हें क्या करना चाहिए? एक ही मार्ग है, अपने शास्त्र और धर्म का ज्ञान लेना पड़ेगा। किसी साधु संतों के आश्रम में जाओ, थोड़ा कभी कभी वहां भी समय बिताओ, और किसी ना किसी गुरु से जुड़ना चाहिए जो प्रामाणिक हो, जो आध्यात्मिक का प्रामाणिक गुरु हो। ऐसे नहीं कि ऐसे ठगी भी बहुत है। देखिए जब सत्य होता है तो असत भी होता है, जो असलियत है तो नकली भी होते हैं, जब से असली साधु है तभी नकली साधु भी है। तो नकली साधु
की वजह से असली साधुओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो असली है तभी तो नकली है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सारी दुनिया में सारे नकली है या ढोंगी है, ऐसा नहीं कह सकते। हमने खुद अनुभव किया है, महान महान संत, दिव्य दिव्य संत हमने अनुभव किए हैं, जो जप करते हैं तो उनके आंखों से जलजल आंसू बह जाते हैं, उनके आसपास आप जाओ तो एक आलेख से ही वाइब्रेशन आ जाता है। तो ऐसे संतों के या शास्त्रों के, वेद पुराणों के, धर्म के, सनातन धर्म का ज्ञान नॉलेज रखना चाहिए। भौतिक पढ़ाई तो जरूरी है ही आपके शरीर का पालन करने के लिए, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई उससे भी ज्यादा, करोड़ गुना ज्यादा वो जरूरी है। बीच में आपको रोकूंगा, केरला फिल्म आई अभी हाल में, तो उसमें बताया गया कि एक लड़की सवाल करती है कि तुम्हारे कितने देवी देवता हैं और किसको मानते हो, तो एक लड़की, हिंदू लड़की ने बताया जो उसकी कैरेक्टर में है, उसने कहा कि मैं भगवान शिव को मानती हूँ। और तो बोले कि भगवान शिव तुम्हारे कौन, जो पत्नी के वियोग में भटक रहे हैं, एक पत्नी को जो है कंधे पे लादे देश भर में भटक रहे हैं, रो रहे हैं, तो वो तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये बताया गया, शिव के बारे में भ्रमित किया गया है, भगवान शंकर के बारे में, उनकी पूर्ण शक्ति के बारे में नहीं बताया जाता, क्योंकि लड़कियों को, हमारी बेटियों को याद नहीं है, ध्यान नहीं है। और दूसरा गुमराह करके ये कह देता कि अरे शिव क्या रक्षा करेंगे तुम्हारी, जो अपनी पत्नी को लेकर जो है देश भर में भटक रहे हैं, रो रहे हैं। जी, शिवजी तो प्रलयकारी देवता है, समस्त सृष्टि का जब संहार करना होता है तो शिवजी का ही तांडव जब होता है, तब ये समस्त पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड थरथर कांपता है। ये शिवजी की, ये शिवजी की शक्ति है, महिमा है। रही बात उनकी पत्नी सती की, कि उन्होंने देह त्याग कर दिया और उनकी रक्षा नहीं कर पाए, तो ये सब गलत बात है। शास्त्रों को इसके लिए पढ़ना चाहिए कि स्त्रियों के पास उसका आंसर होना चाहिए, जवाब देना आना चाहिए। भगवान शिव की वो कथा बहुत अलग है, मैंने इसके ऊपर अपने ही चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था शिव जी की कथा के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया है कि जो माता सती है उन्होंने एक अपराध ऐसे जाने अनजाने में कर लिया, भगवान राम के ऊपर ही उन्होंने शंका जाहिर की कि ये भगवान है भी या नहीं, और ये शिव जी परम वैष्णव है, ये नहीं सह पाए। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, उन्होंने माता सीता का रूप धारण करके राम की परीक्षा ली। अब भगवान शंकर को ये लगी बात कि जिस इष्ट देव को मैं दिन रात भजता हूँ, जो मेरी माता है सीता, जिनको मैं माँ कहता हूँ, मेरी माँ का रूप कैसे धारण कर लिया, मेरी पत्नी हो के अब इसने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया, मैं इसे त्याग करता हूँ। अब वो माता सती है, उसने देखा मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, तो मेरे शरीर का मतलब ही नहीं है कोई, मैं क्या करूं जब मैं मेरे पति की सेवा नहीं कर पाऊंगी, मैंने वैष्णव अपराध कर लिया, मैंने मेरे पति का दिल दुखाया। वो माता सती पूर्ण शक्तिशाली, उसने खुद से योग अग्नि प्रकट करके खुद को खुद ही भस्म कर दिया है। शिव जी को नहीं पता था, शिव जी ने उन्हें आगाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर खुद ही सती माँ ने अपने देह का त्याग किया। ये शिवजी को उन्होंने बताया, क्यों? क्योंकि मुझे दूसरे शरीर में आके आपकी सेवा करनी है, ये सती माता की इच्छा थी, और सती माता की इच्छा पूरी करना जरूरी भी था, क्योंकि शिवजी अभी मातृवत मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने सीता माता का रूप धारण किया था। तो इसके लिए ये लीला हुई है कि माता सती को दूसरा जन्म फिर लेना पड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। ऐसा नहीं कि भगवान शिव रक्षा नहीं कर पाते थे, वो तुरंत कर लेते, लेकिन माता सती की इच्छा नहीं थी, वो चाहती थी कि वो दूसरा शरीर धारण करे। ये इतना गूढ़ रहस्य है ना, ये जो शास्त्र पढ़ता है या जानता है वही बता सकता है, नहीं पढ़ रही है इसीलिए उसको जवाब नहीं आया, भ्रमित हो गई। शिव जी क्या नहीं जानते, चराचर को जानते हैं, भगवान के ही जहाँ जहाँ वो शक्ति पीठ बनती चली गई। हाँ, और जहाँ जहाँ सती माता का देह का शरीर के टुकड़े गिरे हैं, वहाँ वहाँ पर आज शक्ति पीठ है और लोग प्रणाम करते हैं वहाँ जाकर। सतियों का इतना महत्व, माता सती क्या शक्तिशाली नहीं थी, पूर्ण शक्तिशाली थी, उन्होंने जानबूझकर ये लीला में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि पति से विरह वो नहीं सह पाती थी भगवान शिव से, तो उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया था कि इस शरीर से मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, अब ये मातृवत हो गया है तो इसे मुझे त्यागना ही ठीक रहेगा, और दूसरा शरीर पार्वती का उन्होंने धारण कर लिया। तो कुल मिलाकर गूढ़ जो रहस्य है, जो तह तक बातें जानी चाहिए या जो अध्ययन से आनी चाहिए, वेद पुराण के अध्ययन से, सनातन के अध्ययन से, वो चीजें जो है उधर बेटियां नहीं जा रही हैं, हमारे बच्चे नहीं जा रहे हैं, तभी तो उसमें वो जवाब नहीं दे पाई ना, जवाब देते तो ये नहीं होता। भगवान राम की महिमा अगर पता होती या रामायण का पता होता तो
जवाब दे सकते थे, पर जवाब नहीं दे पाते क्योंकि पता नहीं था, ना वेद पुराण का पता है, ना रामायण का पता है, ना भगवद गीता का पता है। ये लोग तो भगवान कृष्ण के बारे में भी कुछ भी बोलते हैं कि इनकी 16,108 रानियां हो गई है ना, ऐसे कहते हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं, भगवान जो भी लीला करते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। अगर देखा जाए इस पूरे समाज में पुरुष का अगर बोले पुरुष कौन है तो वो भगवान ही है। हम सब आत्माएं हैं, ये गूढ़ रहस्य है, ये एक वो शास्त्र का शास्त्र पढ़ेंगे तो आप ये समझ पाएंगे। जब आप अंदर तक जाते हैं शास्त्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं तब आपको पता चलता है कि ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, देखा जाए तो सब एक दिव्य आत्मा के स्वरूप में है और हम सब भगवान केवल एक ही पुरुष है इस संसार में, और वही उन्होंने ही हमें कभी स्त्री कभी पुरुष, हम जो चाहे हमारे कर्म के अनुसार कभी जानवर भी बन जाते हैं, कभी घास पूंजी भी बन जाते हैं, कभी कीटक भी बन जाते हैं, कभी पक्षी भी बन जाते हैं, कभी नर भी बन जाते हैं। और अगर अच्छे कर्म करे तो भगवान सारूप्य रूप देके मुक्ति देके नारायण भी बना देते हैं, अपना ही स्वरूप देके। एक मुक्ति है सारूप्य मुक्ति, उसमें भगवान अपना ही स्वरूप देते हैं जीव को, जो भगवान को मित्र मानता है या जो भी भाव से पूछता है, जब वो अपना देह त्याग देता है तो भगवान अपना ही रूप दे देते हैं। एक ऐसा ही पुंडरीक था जो भगवान की नकल किया करता था कि मैं ही कृष्ण हूँ, भगवान से बड़े प्रेरित हुए थे, दिन रात कृष्ण का चिंतन करता लेकिन गलत दिशा में जा रहा था, खुद को ही भगवान समझने लगा, लेकिन नारायण बनने की इच्छा थी तो भगवान ने उसकी वो भी इच्छा पूरी कर दी पुंडरीक की। और उसको युद्ध के लिए जब उसने भगवान को ही ललकारा तो भगवान ने उसका युद्ध के लिए स्वीकार किया उसका युद्ध, और जब युद्ध हुआ तो भगवान ने असली सुदर्शन से उसे मार दिया, और जैसे ही वो पुंडरीक मरा उसके शरीर से जो दिव्य आत्मा निकली वो तुरंत नारायण स्वरूप बनी, जिसका वो नकली बना के लोगों के सामने घूमता था, यहाँ सुदर्शन लगाया इधर चार हाथ लगाए नकली, भगवान ने असली बना दिया। तो ये भगवान की कृपा है कि नारायण भी बना देंगे भगवान, लेकिन ये कि श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, अपने शास्त्रों का ज्ञान रखना चाहिए। ऐसे सवाल अगर कोई बाहर पूछता है तो जवाब देना आना चाहिए, और यही कमी है, आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। स्त्रियां पढ़ी लिखी तो बहुत है लेकिन उस पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब है, मुझे बताइए राजनारायण जी, कोई उस पढ़ाई लिखाई का मतलब है अगर उसमें उन लड़कियों के भौतिक ज्ञान बहुत है, पैसे बहुत कमा रही है लेकिन अपना खुद की रक्षा नहीं कर पा रही है। अर्चिता जी देख रहे हैं ये बिगड़ता तो चला जा रहा है लेकिन संभलेगा कैसे, कैसे ये बेटियां या हमारे बच्चे जो है नए रास्ते पे आएंगे, ठीक रास्ते पे आएंगे, और कैसे ये एक सदमार्ग पर चलेंगे। देखिए बेटियां अपना गौरव भूल रही है, जो उनका महान गौरव है, हमारा इतिहास खंगालिए, जैसे लक्ष्मीबाई झांसी की रानी हुई, तलवार उनके हाथ की आज भी उसकी धार सबको पता है कि क्या है, कितनी तेज धार झांसी की रानी की। तो स्त्रियां कमजोर तो नहीं है, हम देवी को के भी कोई स्वरूप को देखते हैं तो हमेशा शस्त्रधारी देवी का स्वरूप देखते हैं। तो हमारा ये जो समाज, हमारा ये जो भारतीय समाज है, इसमें स्त्रियों को देवी स्वरूप माना गया है, और स्त्रियों में वो बातें है कि वो देवी दुर्गा भी है, वो काली भी है, रणचंडी भी है, वो क्यों अपने आप को कमजोर बना रही है ये समझ नहीं आ रहा है, अपने इतिहास को अपने जो जड़ है उसको भूल रही है, इसीलिए वो आज इतनी कमजोर हो गई कि कोई भी मार रहा है काट रहा है। नहीं, तुम दुर्गा हो, तुम काली हो, तुम झांसी की रानी हो, तुम रणचंडी हो, तुम में वो सारे गुण है, आज चूड़िया है हाथ में तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ में शस्त्र भी है, ऐसे ये स्त्रियों का महत्व है कि उसे कमजोर नहीं माना गया है, वो महान है। जी जी, यहाँ तक कि माता सीता बाणों से पूरे ऐसे बाण था जिससे वो फूलों को तोड़ती थी, वो बाण कोई नहीं उठा पाता था, वो केवल माता सीता उठा पाती थी, सहस्त्र लोग जमा होते फिर भी वो बाण नहीं उठा पाते, इतनी शक्तिशाली थी सीता माता। क्या उनका कभी रावण अपहरण कर सकता है, नहीं कर सकता, वो बहुत शक्तिशाली थी, उन्होंने केवल अपनी छाया सीता प्रकट कर ली लीला करने के लिए। तो यही सत्य है, स्त्रियों में सारी शक्तियां है, सारी शक्तियां, तो अपने गौरव को याद रखना चाहिए और कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने सनातन धर्म से जुड़े रहो, पढ़ो अपने शास्त्र को, इतिहास को पढ़ो, तभी भी पता चलेगा कि कैसी कैसी रानियां, कैसी कैसी महान चरित्र महान स्त्रियां हुई है जो हमारे समाज का भी रक्षा कर चुकी है, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए वो मैदान में उतर चुकी है ना, बच्चे को बांध कर झांसी की रानी युद्ध के मैदान में थी, अंत तक दुश्मन के हाथ नहीं लगी,
हाँ, किस तरह से वीरता का प्रमाण दिया है उन्होंने। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी सभ्यता, ये हमारा संस्कार। दुर्गा, रणचंडी, काली, ऐसी ऐसा स्त्रियों का जो नेचर है, ये भूलकर हम कहाँ ये छोटे मोटे जैसे आजकल के जो हम सुन रहे, क्या श्रद्धा बन रही है, क्या ये साक्षी बन रही है, कब से कमजोर हो गई तुम, क्यों नहीं अपनी शक्ति को पहचानती हो, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, कि अस्तित्व पे आँच ना आए, उनके शरीर को ना छू सके। तो इस देश में तो जौहर प्रथा पद्मनी जैसी, मैं तो यही कह रही हूँ कि स्त्रियों को जैसे आप डांस क्लास लगाते हो, संगीत क्लास लगाते हो, बहुत सारी चीजें आप सिखाते हो, पढ़ाई लिखाई, टेनिस, कूदना भी सिखा रहे हो आज, आप उसको पहले तो कराटे सिखाओ, ऐसे कराटे सिखाओ कि दो दो तीन तीन चार चार जन को अकेले ही परास्त कर सके, कहीं पे भी रात में भी निकले तो अपनी रक्षा खुद कर सके, ना किसी जो निर्दयी समाज को पुकारना पड़े और ना ही किसी से आशा करनी पड़े कि भाई ये हमारी मदद करेंगे और हमारी रक्षा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि धर्म अध्याय के साथ युद्ध का भी जो नीति है, युद्ध के कौशल है, जो शक्ति का जो कौशल है, वो भी स्त्रियों को सीखना जरूरी है। जो मैं कह रही हूँ आज के दौर पे कराटे वगैरह, पहले के जमाने में युद्ध कौशल सीखती थी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये सारी स्त्रियां सीख लेती थी, अपनी रक्षा खुद कर पाती थी। लेकिन आजकल की स्त्रियां पढ़ी तो लिखी है लेकिन ये शास्त्र को भूल रही है और जो नहीं लेना चाहिए उस तरफ, उस मार्ग में बढ़ रही है, भौतिक ज्ञान की तरफ ज्यादा बढ़ रही है और आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ रही है, यही सबसे उनका घाटा हो रहा है। इसीलिए स्त्रियों का आज अपराध स्त्रियों के प्रति ज्यादा हो रहे हैं समाज में। तो अर्चिता जी ने ये बताया कि बेटियां अपने गौरव को भूल रही हैं, अपने धर्म अध्यात्म शास्त्र को भूल रही हैं, अपनी सनातन संस्कृति की जो परंपराएं हैं उन्हें भूल रही हैं, क्योंकि यही बेटियां देवी के रूप में जानी जाती हैं, नौ दिन नवरात्र में पूजी जाती हैं, और यही बेटियां जब युद्ध के मैदान में आती हैं तो रणचंडी बन जाती हैं, चाहे रानी दुर्गावती हों, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, दुश्मनों का मुँह तोड़ जवाब देने का काम किया। तो बेटियों को अपने गौरव को पहचानना चाहिए, अपनी सनातन संस्कृति को पहचानना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा इसी तरह से लगातार प्रारंभ रहेगी। हम सब की कोशिश, हम सब का ये प्रयास रहे कि हमारा भारतवर्ष पुनः सनातन संस्कृति के रूप में जैसे था वैसे ही पूरे विश्व में फहराए।